नमस्कार, आप देख रहे हैं जीना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। मेरे साथ हैं रंजना अग्निहोत्री के अधिवक्ता, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिद का मामले में सबसे पहले उन्होंने वादी हैं और उन्होंने अपना वाद दायर किया। उनके अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं श्री गोपाल खंडेलवाल। आइए गोपाल जी, आज आपके यहाँ सुनवाई होनी थी सीनियर डिवीजन के यहाँ, सिविल जज के यहाँ, क्या रहा आज? माननीय जन्मदादी महोदय के आदेश को देखा, सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने दाखिल की, उनको सुनेगा अपोजिट पार्टी के जो वकील है उनको सुना। उनके सुनने के बाद ये पाया कि हमारा सूट लीगल मेंटेबल था, इलीगल रूप से खारिज कर दिया था, तो कोर्ट ने उस सूट को रजिस्टर करने के आदेश पारित किए हैं। खारिज कहाँ हुआ था? इनिशियली कोर्ट ने माना कि हमारा सूट राइट टू फाइल सूट नहीं है, उसके खिलाफ रिविजन फाइल किया, वो अलाउ हो गया। अब कोर्ट ने हमारे सूट को रजिस्टर करने के आदेश पारित कर दिए हैं और अपोजिट पार्टी चूंकि ऑलरेडी अपीयर थी तो उनको मौका दिया जवाब दाखिल करें, तो कोर्ट चूंकि उन्होंने हमको कॉपी दावा की कॉपी पहले दे चुके थे लेकिन उनको दोबारा डिमांड की जा रही है, तो कोर्ट ने कहा इस कंट्रोवर्सी को दूर करिए, इनको दोबारा प्लेंट की कॉपी दे दी, उनको कॉपी दे देंगे फाइनल, इसलिए फर्दर इनको तो मना करें, हमें मिले नहीं, हम दे देंगे उस कंट्रोवर्सी को दूर करके, हम दे देंगे इस कंट्रोवर्सी, हम चाहते हैं कि मुकदमा जल्दी से जल्दी तय हो, तो हमने फाइनली तय कराने के लिए फाइनली जवाब के लिए कहा है, क्या फाइनली अपना जवाब लेके आइए, तो कोर्ट जो भी डेट फिक्स करेगी उनके मुकदमे के फाइनली जवाब के लिए करेगी। हमने इस मुकदमे को इंटरम एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारा इरादा कोई भी इस मुकदमे को टालने का नहीं है, इसलिए हम लोग हम चाहते हैं कि भारत की जनता के सामने शीघ्र से शीघ्र जो निर्णय हो वो आए, जिससे भारत की जनता देख सके कि किस प्रकार ठाकुर जी की प्रॉपर्टी को गलत रूप से ईदगाह ट्रस्ट को दे दिया गया था। रिसेंटली क्या सूट में आपने मांग की? हमारी रिसेंटली हमारी ये कंप्रोमाइज इलीगल है, उसको इलीगल डिग्री कहा जाए और उस कंप्रोमाइज के बेसिस पर जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको रिमूव किया जाए। और आपके द्वारा कोर्ट कमीशन की भी कोई मांग नहीं? आपके द्वारा कोई रिलीफ? कोई नहीं। अब इस पर अगली सुनवाई के लिए क्या अगले सुनवाई के लिए कोर्ट जो ऑर्डर आएगा मैं आपको बताऊंगा, अभी मेरे पास आगे की डेट की जानकारी नहीं है मुझे। 1618 से लेकर अब तक की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है ठाकुर जी की ओनरशिप की प्रॉपर्टी की, लेकिन उनका अब तो ये भी कहना है कि रंजना अग्निहोत्री बाहर के हैं, मथुरा के कोई लोग ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं, वो बाहर से आगे क्यों कर रहे हैं? बाहर देखिए वर्षित में बाहर भी तो कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं 1990 सुप्रीम कोर्ट में एक मोमडन ने सूट फाइल किया था ठाकुर जी प्रॉपर्टी के संबंध में और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मोमडन को भी राइट है, ऐसा नहीं है। पर्सनल हमारा आस्था है और आस्था किसी व्यक्ति की कहीं की भी हो सकती है, इसमें यह नहीं कि बाहर के बेहतर के, बाहर का हो इंडिया का व्यक्ति हो कहीं का, जो ठाकुर जी में आस्था रखता हो वो सूट फाइल कर सकता है। अब आपकी तरफ से आपका जो 13.37 एकड़ है उस पर मजबूत है? बिल्कुल 100% मजबूत है। अच्छा, एक जो चल रही है खासकर मीडिया में कि हाईकोर्ट ने कहा है 4 महीने के अंदर सुनवाई की जाए, वो क्या? वो हमारा मतलब नहीं है, वो हमारी एप्लीकेशन नहीं है और वो हमारे एप्लीकेबल नहीं होगा। हमारा सूट सेपरेट सूट है, हमारा सूट सबसे लीडिंग सूट है और हमारा सूट अलग है, वो हाईकोर्ट का ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी हमारे सूट पर नहीं है। अच्छा, वैसे आप मानते हैं कि 4 महीने में सुनवाई हो सकती है ऐसे मामले? नहीं, अब हाईकोर्ट का ऑर्डर मैंने पढ़ा नहीं है, बिना हाईकोर्ट के ऑर्डर को पढ़ो अपना कमेंट नहीं दे सकता कि हाईकोर्ट कभी भी 4 महीने में सूट को तय करने की ऑर्डर नहीं कर सकती, कोई इंटरम एप्लीकेशन होंगी उनको तय करने के निर्देश दिए। ऐसे मामले में ना परिस्थिति लग रही 4 महीने हो जाए? हाँ नहीं, पॉसिबल नहीं है मुकदमा मेरिट पर 4 महीने होने तो नहीं, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। फिलहाल अभी अगली तारीख का इंतजार, अभी आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। देखा आपने, हमारे साथ मौजूद रहे गोपाल खंडेलवाल जो कि रंजना अग्निहोत्री के अधिवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि आज जो मथुरा के जिला जज है उन्होंने उनकी स्वीकार की, या पहले उनके बात को जो खारिज कर दिया गया था लोअर कोर्ट ने, लेकिन अब उन्होंने कहा कि उनका बात अपनी जगह जायज है, सुनने योग्य है, तो अब देखना यह कि इसके लिए कब सुनवाई होती है। बहरहाल जो अधिवक्ता है उन्होंने कह दिया कि उनका पक्ष अपनी जगह पूरी मजबूत है। जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।